अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोर के बारे में। ठीक है, मसला क्या है? ये मसला है इंटरनेट एक्सप्लोर कैन नॉट डिस्प्ले द वेब पेज। ये मसला क्यों आता है? ठीक है, डायग्नोज कनेक्शन प्रॉब्लम। ये मसला ज़्यादातर 64 बिट विंडो, अगर विंडो 7 हो 8 हो वगैरह वगैरह 64 बिट का, तो ये मसला ज़्यादातर इस विंडो में आता है। तो इसको ठीक किस तरह से करें कि ये ब्राउज़र पे जो हम सर्च करें वो सही तरीके से आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे ठीक करने के लिए हम टाइम एंड डेट, ये जो टाइम एंड डेट है इसको ठीक करेंगे। इस पे ऊपर क्लिक कर दिया, चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे। ठीक है, इस पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे हम चेंज टाइम जोन, ये वाला चेंज टाइम जोन, इस पे क्लिक करेंगे। चेंज टाइम जोन पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे हम मैं पाकिस्तान का हूँ तो इस्लामाबाद कराची सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम दे आप जिस मुल्क से हो वो आप सेलेक्ट कर दो। ठीक है, तो मैं इसमें इस्लामाबाद कराची सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो इस ये रहा। ठीक है, इस्लामाबाद कराची मैंने सेलेक्ट कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया। अगर आपका टाइम ठीक नहीं हो तो अभी टाइम खुद ब खुद ठीक होगा। ये एम था, मैंने इस्लामाबाद कराची सेलेक्ट कर दिया और टाइम भी खुद ब खुद ठीक हो गया। ठीक है, एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका ये कि हम टूल्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इस इंटरनेट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे, इस पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे हम एडवांस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एडवांस ऑप्शन, इस पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे हम इसको रिस्टोर करेंगे इस ब्राउज़र को। ठीक है, रिस्टोर कर दिया। अभी हम रीसेट पे क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे। कौन से ऑप्शन पे? इस ऑप्शन पे, रीसेट ऑप्शन पे। तो रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करता है, यहाँ डिलीट में डैश कर देंगे इस वाले ऑप्शन पे और रीसेट पे क्लिक कर देंगे। ये क्लोज कर दिया, ओके। अभी हम सेफ्टी में आएंगे, ये वाला ऑप्शन जो है, इस वाले ऑप्शन पे हम आएंगे। ठीक है, डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री पे क्लिक कर देंगे और इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब अगर आपका इंटरनेट एक्सप्लोर नहीं ओपन हो रहा है तो दूसरा तरीका भी है। ठीक है, वो तरीका ये अभी भी नहीं ओपन हो रहा है। स्टार्ट में जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम नेटवर्क एंड इंटरनेट पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक कर दिया, ये नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे, इस पे क्लिक कर दिए। अभी हम चेंज एडाप्टर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, चेंज एडाप्टर सेटिंग पे क्लिक कर दिया और अभी हम यहाँ पे जो हमारा कनेक्शन है इसके प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी पे क्लिक कर दिया। अभी हम इस ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP पे क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी पर। ठीक है, पहले हमने इस पे क्लिक कर दिया, अभी इस पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे क्लिक कर दिया और यहाँ ये दूसरे नंबर पे हम क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे हम लिख देंगे 8888844, ओके कर देंगे, क्लोज। ठीक है, ये सेटिंग भी हमने कर दिया। अभी इंटरनेट एक्सप्लोर को दोबारा ओपन करेंगे, अभी भी ओपन नहीं आ रहा तो ये सर्च में हम यहाँ पे हम लिख देंगे google.com, google.com। ठीक है, इस पे हमने क्लिक कर दिया। ये जो तरीके थे, अगर इस ये रहा भी खुल गया, अभी आप यहाँ पे जो भी सर्च करोगे ठीक है तो वो आ जाएंगे, पर उसको मैं कर देता हूँ हमीद अली फले। ठीक है, ये मेरा चैनल। ठीक है, अभी मैंने ये सर्च कर दिया, अभी ये सर्च आ रहा है। ठीक है, हमीद अली फल है, हाउ टू रिकवर डिलीट फोटो एंड यूट्यूब, अभी यूट्यूब में चला जाएगा। ठीक है, अभी ये आपको कह रहा है कि क्रोम डाउनलोड कर दो। ठीक है, आप गूगल क्रोम को भी डाउनलोड कर सकते हो ब्राउज़र के लिए, मोज़िला को भी, फायरफॉक्स के इंस्टॉल कर सकते हो, फेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह वगैरह, आप कोई भी ब्राउज़र इंस्टॉल कर सकते हो। अगर वो इंस्टॉल नहीं कर तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो, जो भी सर्च करो या डाउनलोड करो। मैं लिख देता हूँ डाउनलोड, मैं लिख देता हूँ डाउनलोड गूगल क्रोम,
ऐसे आपको समझाने के लिए मैं ये लिख दूँ, ठीक है। यस पे क्लिक कर दिया, अब ये आपके पास ब्राउज़र आ गए, ठीक है। ये ब्राउज़र आ गए, आप इस ब्राउज़र को डाउनलोड कर सकते हो, तो ये इस इंटरनेट एक्सप्लोर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप नया ब्राउज़र इंस्टॉल करोगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया।